दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप अपने आधार कार्ड को एनरोलमेंट आईडी से डाउनलोड करना चाहते हैं, या दोस्तों आप वर्चुअल आईडी से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को एनरोलमेंट आईडी से या वर्चुअल आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है UIDAI। जैसे ही दोस्तों आप टाइप करेंगे, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट वाले लिंक पर ही क्लिक कर देना है, UIDAI.gov.in, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको गेट आधार में दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड आधार। दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपने नया अप्लाई किया है आधार कार्ड और आपके पास जो स्लिप उसने दी थी वो स्लिप आपके पास है, तो दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को उस स्लिप से यानी एनरोलमेंट आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, यहाँ पर लिखा हुआ होता है स्लिप में, और जो डेट और टाइम होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों आप एनरोलमेंट आईडी को फिल करेंगे और दोस्तों डेट और टाइम को फिल करेंगे तो आप इजीली अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं डाउनलोड आधार, तो डाउनलोड आधार पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ये पॉपअप दिखाई देगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा आपको डाउनलोड आधार, तो दोस्तों इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी और वर्चुअल आईडी। दोस्तों, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे। उसके बाद आप सेंड ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके पास एक ओटीपी चला जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी वो आप यहाँ एंटर करेंगे तो आपका आधार कार्ड इजीली डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों इसी तरह से आप एनरोलमेंट आईडी से कर सकते हैं। एनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे, सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके पास एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। और सेम इसी तरह से आप वर्चुअल आईडी दोस्तों आधार कार्ड पर आधार नंबर के ठीक नीचे पड़ी हुई होती है, वो आप एंटर कर सकते हैं अगर आपको आधार नंबर नहीं पता है, वर्चुअल आईडी पता है। तो दोस्तों सेम प्रोसीजर है, आप एनरोलमेंट आईडी से और आधार कार्ड से सेम ही प्रोसीजर है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आप 12 डिजिट के आधार नंबर एंटर करेंगे या 16 डिजिट की वर्चुअल आईडी एंटर करेंगे, या फिर दोस्तों 14 डिजिट की एनरोलमेंट आईडी एंटर करेंगे। तो दोस्तों मेरे पास एनरोलमेंट आईडी तो नहीं है, मैं आपको आधार नंबर से ही डाउनलोड करके बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं आधार कार्ड को डाउनलोड बहुत ही आसानी से। यहाँ पर मैं अपने आधार नंबर को एंटर कर देता हूँ, सिक्योरिटी कोड एंटर करूंगा जो आप देख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने आधार नंबर एंटर कर दिया है, उसके बाद सिक्योरिटी कोड एंटर करना है। जैसे दोस्तों स्मॉल में है, स्मॉल में आप एंटर करेंगे, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में एंटर करेंगे, ये आप कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। दोस्तों ओटीपी मुझे मिल गया है, मैं यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्चिंग चल रही है और ये एनालाइज कर रहे है आधार कार्ड को। उसके बाद दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। यहाँ पर दोस्तों जो पीडीएफ ओपन होगी वो आपके नाम के फर्स्ट चार लेटर कैपिटल में आपको एंटर करने होंगे और आपको डेट ऑफ बर्थ का ईयर आपको एंटर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपका नेम जैसे यहाँ पर है, योर नेम इज अनीश कुमार, तो योर और डेट ऑफ बर्थ है 1989, तो दोस्तों आपका जो पासवर्ड होगा वो ANIS और 1989, तो इस तरह से आपका जो पासवर्ड होगा वो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा आधार कार्ड है, यहाँ पर पासवर्ड मुझे एंटर करना है, यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ।
और उसके बाद मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मेरा जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो गया है, आप भी इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।